ओम परमात्मने नमः। दूसरे अध्याय में कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा दे। विवाह संबंध के लिए कुल शीतल, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उनके गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। तो जो घूस देने या धन खर्च करने में समर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। तो जो जितना अधिक दम्भ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर बड़े कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानने और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। तो जो जितनी ठिठाई से बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले, धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरे में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंद, मूल, फल, मांस, मधु, फल, फूल और बीज, गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे, महाराजे, डाकू, लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध, हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका का चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गऊं, बकरियों की तरह छोटी छोटी रकम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर ग्रस्तों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध हैं उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और व्यसायी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धन की रक्षा, धर्म की रक्षा,
करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षक, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान आकर ग्रहण करेंगे, अवतार लेंगे। श्री भगवान की अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डंकों का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षक, अब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के शिव विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जो कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ होता है। परीक्षक, चंद्र वंश और सूर्य वंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहेंगे। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। तो जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षक, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की, अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 432,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा, तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षक, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सत्ययुग का प्रारंभ भी होगा। तो परीक्षा, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप से वर्णन किया है। मैंने मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्मा का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब इनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहां तहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय
कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यही चार युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह क्रीड़ा, विष्टा अथवा राख के स्वरूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के आय इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न ही परमार्थ। क्यों? कि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे और मेरे अधीन किस प्रकार रहे, मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग का पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ ढींग हाँकते हैं कि पृथ्वी मेरी है। अंत में शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो जो नरपति बड़े बड़े उत्साह और फल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल काल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। अतः दूसरा अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को लगाएं, दबाएं, कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा के हैं। जय श्री कृष्णा।